दोस्तों प्राइवेट सेफ फोल्डर क्या ये दोस्तों सिक्योर है या सिक्योर नहीं है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आया था कि प्राइवेट सेफ फोल्डर में अगर किसी चीज को छुपा कर हम रखते हैं तो कहीं ये लीक तो नहीं हो जाएगा, हम जो भी छुपा कर रखते हैं कहीं तो ये हैक करके डाटा लीक तो नहीं करेंगे। दोस्तों अक्सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ चुके हैं और दोस्तों फाइनली मैं आज इसका आंसर आपको देने वाला हूं। बहुत रिसर्च करने के बाद ये आंसर मैं आपको दे रहा हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर इंडिया टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्राइवेट सेफ फोल्डर एक्चुअली में है क्या और इसका यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों प्राइवेट सेफ फोल्डर फोन में कुछ डाटा को छुपा कर रखने के लिए उसे यूज किया जाता है। फोटोस हो गया, वीडियोस हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इन सभी को आप प्राइवेट सेफ फोल्डर में जो है रख सकते हैं। उसे रखने के बाद क्या ये लीक हो सकता है? ये तो फोन में ऑटोमेटिक से दिया है ना, तो इसे हम बाहर से डाउनलोड नहीं करते हैं। क्या दोस्तों ये सिक्योर है या सिक्योर नहीं है? चलिए हम इस पर अब पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट को पहले छुपा कर रखूंगा। ये हो गया 3-4 ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर छुपा कर रख लेता हूँ। सेट आज प्राइवेट, ये दोस्तों सक्सेसफुली प्राइवेट सेव फोल्डर में सेव हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने जो प्राइवेट सेव फोल्डर में अभी जो चीज रखा है, जो डाटा छुपा कर रखा है, वो कहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में चले जाने के बाद पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स पे चले जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्राइवेट सेव नाम का एक ऑप्शन है, इसे आप जो है एंटर प्राइवेसी पासवर्ड, इस पासवर्ड को हम जो है दे देते हैं। मेरा फोन का जो पासवर्ड था इमेजेस, देखिए दोस्तों यहाँ पर वो सेव हो चुका है। अब दोस्तों यहीं से क्या ये लीक हो सकता है? दोस्तों लीक नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है तो लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, अगर आपका फोन किसी ने हैक किया है और वो पूरा का पूरा फोन को आप कंट्रोल कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट सेफ फोल्डर को भी अनलॉक करके उसके कंट्रोल में ले सकता है। दोस्तों ये जो लीक होने का खतरा रहता है ये किन किन सिचुएशन में लीक हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो होता है फोन हैकिंग। अगर किसी ने आपका फोन हैक किया है, किसी भी तरह से वो आपको रिमोटली कंट्रोल भी कर रहा है, तो ये लीक हो सकता है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि कोई हैकर किसी एप्लीकेशन में कुछ भी वायरस हो, कुछ भी मैलवेयर हो, बाइंड कर दिया है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो मालवेयर, जो वायरस उसने छुपा कर रखा था वो आपके फोन में तो इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके लिए ये डाटा लेना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका फोन के अंदर उसका जो भी उसने इंस्टॉल किया था, उसने जो भी बाइंड किया था, वो फोन के अंदर आपका आ चुका है। आपका फोन का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, अब उसके पास रिमोटली चला गया है। और जब तक आपका इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तब तक ये लीक होने का चांसेस है। इसीलिए दोस्तों हमेशा कहता हूं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से दूर रहो, यानी कि प्ले स्टोर से बाहर जो एप्लीकेशन आपको मिलता है वो अक्सर धोखेबाज होते हैं। वो सबके सब एप्लीकेशन धोखेबाज नहीं होते, लेकिन उनमें से कुछ एप्लीकेशन को कुछ हैकर्स मॉडिफाई कर देते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, प्राइवेट फोटोस अगर लीक हो गया तो क्या से क्या बन जाओगे, वो गाना है ना, क्या से क्या बन गए, ऐसा ही कुछ सिचुएशन आपका हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट सेफ फोल्डर का यूज क्या है और इससे डाटा लीक हो सकता है या नहीं। जब तक अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर ऐसे किसी इंसान को अपने मोबाइल को सौंप नहीं देते हैं, मतलब ऐसे किसी इंसान के अंडर में ही आपका मोबाइल चला नहीं जाता है, तब तक प्राइवेट सेफ फोल्डर आपका सिक्योर है। दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, इसे हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे भी आपका प्राइवेट फोटोस या अगर कहीं पे भी आपका प्राइवेट डाटा लीक होता है, सबसे पहला जो गलती है वो आपकी। आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा आदमी आपके फोन तक पहुंचा होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। अगर किसी के मन में अभी कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है यहाँ पे शो कर रहा होगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप वहां से क्लिक करके जो है इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।